जांच ने चंदन पेड़ों की चोरी में लिप्त काटोल की गैंग को पकड़ा है। उसके 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर 2 नाबालिगों को बंदी बनाया गया है। इस गैंग से 6 मामलों का पता लगाकर 1,15,000 रुपए का माल बरामद किया गया है। आरोपी जय सिंह सेंगिया, शुभम कानकोजे उर्फ लोधी और आदर्श राजपूत काटोल है। इस गैंग के तार यूपी के कन्नौज से जुड़े हुए हैं। चंदन के पेड़ों की चोरी से पुलिस परेशान चल रही थी। बीते दिनों राजभवन से भी चंदन के पेड़ की चोरी हुई थी। कुछ सरकारी आवास और परिसर से भी चंदन के पेड़ चोरी हुए हैं। ऐसे में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार की फटकार के बाद क्राइम ब्रांच को काटोल निवासी जय सिंह के चंदन की बिक्री किए जाने का पता चला। दबिश देकर जय सिंह को पकड़ा गया, उससे चंदन मिल गया। जय सिंह ने शुभम, आदर्श और उनके 2 नाबालिग साथियों द्वारा चंदन बेचने का बताया। ऐसे में अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया। इस गैंग ने चुराए गए चंदन की बिक्री यूपी के कन्नौज में शमीम पठान नामक व्यापारी को की जाती थी। पुलिस शमीम को गिरफ्तार करने कन्नौज जाने वाली है। गैंग ने चंदन चोरी की 6 घटनाओं का खुलासा किया है। कार्रवाई डीसीपी चिन्मय पंडित के मार्गदर्शन में की गई है। याच्यासोबत अजून 2 मायनर मुलं होते, हे रात्रीच्या वेळेस चोरी करायचे। त्यापैकी 2 आरोपी दिवसा सदरचे झाडांची रेखी करायचे, झाड कुठं आहे त्या ठिकाणी मोबाईलचं लोकेशन पाठवायचे आणि त्या लोकेशनवर परत हे रात्री येऊन मग त्या ठिकाणी चोरी करायचे। चोरलेल्या मालापैकी हे लोकल यांचं जयसिंग सेंग्या म्हणून एक व्यापारी आहे, त्याला हा सदरचा माल इथं विकायचे आणि याच्या मार्फत त्यांना समोर हे कन्नौजला हा बाकीच्या माल विकायचे। यामध्ये अजून एका आरोपीचं व्यापाराचं नाव निष्पन्न झालं आहे कन्नौज येथील शमीम पठाण, त्याला आम्ही गुन्ह्यात अटक करणार आहोत आणि परत तपासामध्ये अजून काही वाढतील शक्यता आहे, त्या पद्धतीने आमचा तपास सुरू आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।